तो गाइज आज प्रेस मिल गई है, तो मैं अपने शर्ट प्रेस करने जा रहा हूँ। जो मैं धुलता हूँ तो मैं प्रेस तो होती नहीं है मेरे पास, तो मैं प्रेस कर नहीं पाता हूँ। बाकी कूलर वाले भैया आए हुए हैं कूलर से ही करने, बस पंखा नहीं था तो पंखा लगाने आए हैं। बाकी सुजीत भाई देख रहे हैं कैसे लग रहा है, और सुजीत भाई की ही प्रेस है ये, तो ये देखो प्रेस हो रही है मेरी। सो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक हो गए। वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज दोपहर के बज गए हैं, 2 बजने वाले हैं करीब, 1:40 हो गए हैं। और जैसे कि अब देखो मैंने शर्ट भी पहन लिया बढ़िया, प्रेस करके प्रेस किया अपने दोस्त से मांग के, और 2-3 शर्ट है वही प्रेस करनी है अभी। और क्या कूलर वाले भैया हैं, कूलर तो नया लगा गए थे पर क्या नाम है, उन्होंने पंखा नहीं लगाया था, पंखा और मोटर नहीं थी, पर अब पंखा और मोटर आ गई तो उन्होंने लगा दिया, पंखा अब चल रहा है बढ़िया, कूलर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आज क्या सीन है, आज मेरा सीए है, 1-2 से 3 एक क्लास है और 3 से 4 एक सीए, 4 बजे मैं फ्री हो जाऊँगा। उसके बाद एक EDM नाइट है LPU में, बलदेव राज मित्तल ऑडिटोरियम में, वहाँ पर EDM नाइट है, डांस वगैरह होगा, गाना वगैरह होगा, वो होगा तो वो मैं दिखाऊंगा अगर जा पाऊँगा तो। तो ठीक है, अभी हम चलते हैं नीचे खाने, क्योंकि आज बनी है कढ़ी, और कढ़ी मेरी फेवरेट है, मतलब सबसे फेवरेट नहीं पर हाँ यार, और सब तो बनता है उससे कुछ नया थिंक है, नया चीज़ है, तो कढ़ी खाने में मज़ा आता है। जल्दी चलते हैं कढ़ी खा लेते हैं, कुछ ज़्यादा खा लेने तो भाई मौका मिल नहीं पाता है, 5 मिनट के लिए जल्दी खाना पड़ता है, फिर भागना पड़ता है कॉलेज के लिए, अब थोड़ा टाइम है तो खा सकते हैं, जल्दी चलते हैं और टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। ठीक है चलते हैं। तो गाइस फाइनली अब हम लोग की आ गई है कढ़ी, मैंने सिर्फ कढ़ी ली है, साथ में न्यूट्रीला भी बना था, पर मुझे कढ़ी पसंद है, सिर्फ मैंने कढ़ी ली है। रोटी इतनी अच्छी नहीं है, देख लो किनारे पड़ी हुई रोटी, इतनी अच्छी नहीं बनती, तो ये मैं फेंक देता हूँ, और चावल मैंने ले लिया है। तो गाइस बाहर निकलते एकदम तेज़ हवा चल रही है, एकदम तूफान जैसी, देख रहे हो कितना हवा चल रही है, तेज देख रहे हो पेड़ पौधे कितने तेज तेज हिल रहे हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा है सीन यार, धूप निकली नहीं है, एकदम सुख शांति से भैया जा रहे हैं। तो गाइज़ आज सीए है तो सब लोग अपनी तैयारी करके आए हुए हैं, सब लोग पीछे बैठने की तैयारी में, मैं भी अपनी जगह सेट हो गया हूँ, ये देखो एकदम मैं बैठ गया हूँ किनारे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, थोड़ा बहुत यार देख भाग ले लेंगे। तो गाइज़ सीए मेरा ख़त्म हो गया और आज मैंने जम के छपाई की है, बढ़िया एक नंबर। गुरजीत भाई तो पढ़ के आए थे पूरा देख करके आया हूँ, बंदा ने पढ़ के आया था, मैं ही था जो मैं छापा, और गुरुजी भाई ने बस चीट का यूज़ किया, मैंने मोबाइल का यूज़ किया, बस यही डिफरेंस था, बाकी छापा हम दोनों ने, ऐसी बात नहीं है, गुरुजी भाई पढ़ने में ऐसे ही है ये सब ने। ठीक है, और हम लोग आ गए हैं 30 ब्लॉक, और अब चलते हैं वहाँ पर क्या बोलते हैं जहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है बलदेव राज मित्तल ऑडिटोरियम में, वहाँ पर कुछ हो रहा है ना मामला, तो वहीं चलते हैं, देखते हैं डांस वगैरह कुछ है तो वहीं चलते हैं। फोटो सेशन चल रहा है भाई का। तो गाइस यहीं पर बताया गया कि बलदेव राज मित्तल में होगा, 4:30 बजे बता रहा है और 4:15 हो रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ है प्रोग्राम कि नहीं है प्रोग्राम, और बलदेव राज मित्तल लिखा हुआ है, साथ में लिखा हुआ है यूनिपॉलिस, यूनिपॉलिस कहीं और है, बलदेव राज मित्तल ये है, अब मैं समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाऊँ, चलो किसी से पूछते हैं। बाकी यार चलो अभी 4:30 से स्टार्ट होगा तो अभी 4 ही बज रहा है, 4:15 बज रहा है, तो कुछ खा लेते हैं, अभी हम लोग आए ओवन एक्सप्रेस, ओवन एक्सप्रेस में कुछ चीज़ नई चीज़ ट्राई करते हैं, तो चलते हैं ओवन एक्सप्रेस कुछ खा लेते हैं। ठीक है, तो गाइस फाइनली हम लोग आ गए ओवन एक्सप्रेस, और ये मेरी फेवरेट जगह है, लेकिन आज हम लोग वो राइस बॉल ट्राई नहीं करेंगे, कुछ नया ट्राई करेंगे। तो मैंने ऑर्डर कर दिया है आपका एक पनीर फ्राइड मोमोज, और साथ में एक कोल्ड ड्रिंक मैंने ऑर्डर की हुई है, तो चलो। तो आ गए हमारे पनीर फ्राइड मोमोज, इसमें 7 पीस हैं, और साथ में मेयोनीज, साथ में कोल्ड ड्रिंक, चटनी, और समझ में नहीं आ रहा है कि मैं खा पाऊंगा कि नहीं खा पाऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है, लेकिन भूख बहुत तेज़ लगी है। ये देखो गाइस क्या हो गया, पता नहीं बरसात हुई है कि क्या हुआ है, पता नहीं क्या, पूरा मैदान पूरा गीला गीला हो गया, पूरा चिपचिपा गया है मौसम, ये देखो शाम के 5 बज गए हैं, और ये सब मौसम देखो क्या हो गया, हाल सब देखो कैसे जा रहे हैं, सब पूरा पानी भर गया ये देखो। तो गाइस गर्मी कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है, इसलिए मैंने आइसक्रीम ले ली है ऑरेंज वाली, 10 रुपये की, मैंने बंगाल बावर्ची से ली है, हॉस्टल के पास ही में है, तो चलो खाते हैं इसको। तो गाइस इतनी धूप है, इतना गर्मी हो गई है कि मैं आपको क्या बताऊँ, तो मुझे आइसक्रीम लेनी पड़ी, हालांकि 10 ही रुपये की है, पर ये स्वाद वो मैच नहीं कर पा रही जो हमने बचपन में खाते थे, 5 रुपये की खाते थे, जो भोपू वोपू करने की है, जो भोपू वो करता नहीं था हमारे घर के आगे बगैर निकलता था भोपू भोपू, तो हम लोग दौड़ के आते थे, तो डब्बे में जो आती थी पहले 3 रुपये की आती थी, फिर 5 रुपये की आती थी, फिर गुमशुदा हो गई, एक्सचेंज हो गई, वो अब दिखती नहीं है, वो आइसक्रीम्स वगैरह ये 5 की आती थी, अब तो ये हालांकि 10 रुपये की है, मोर की है, तो थोड़ा सुकून मिल रहा है खा रहे हैं यार, पर उतना स्वाद नहीं आ रहा, जो इतना ऑरेंज का जो स्वाद नहीं आता था, जो हल्का सा लगा लो मुँह में तो लगता है ऑरेंज ऑरेंज कुछ खा रहे हैं, उतना अच्छा स्वाद नहीं आ रहा, पर यार गर्मी बहुत आ रही है तो ठंडे आप करने के लिए अपने आप को खाना पड़ रहा है, चलो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बाकी जो सॉन्ग वो जो डांस वगैरह वाला सीज़न था
वो जो एक तो मैं पहले गलत जगह में पहुंच गया, बलदेवराज मित्तल ऑडिटोरियम में पहुंच गया। बलदेवराज मित्तल ऑडिटोरियम में नहीं पहुंचना था, बलदेवराज मित्तल यूनिपॉलिस पहुंचना था। यूनिपॉलिस जहां बड़े बड़े पंखे लगे हैं, जहां ड्रिफ्ट शो हुआ था, मैंने आपको दिखाया था, वहां पर जाना था। तो फिर वहां पर मैं गया, तो मैं वहां पहुंचा 5 बजे, ठीक है। 4:30 बजे स्टार्ट था, 5 बजे मैं पहुंचा। और 5 बजे में जब मैं वहां पहुंचा तो एकदम सुनसान था, कोई मतलब नहीं था वहां, कुछ था ही नहीं। तो मेरा मूड हो गया ख़राब कि भाई ये कह देते हो 4:30 बजे, मैं 5 बजे वहाँ पहुँचा, वहाँ कुछ है ही नहीं यार, मूड मेरा ख़राब हो गया। तो फिर मैं वापस आ गया भाई, जब कुछ होना है नहीं वहाँ खड़े होकर धूप में मरने से अच्छा है भाई वापस आओ अपने हॉस्टल आओ। 5 बज गए भाई, मुँह देखो एकदम काला हो गया, ठीक है। धूप इतनी निकल रही, इतना गर्मी पड़ रही, वो आप लोग भी जानते हो कि जहाँ आप रह रहे हो बहुत गर्मी हो रही है, ठीक है। बाकी अब मैं आ गया अपने नीचे लिफ्ट में, लिफ्ट में चलते हैं हम लोग। तो गाइस यार मैं अब आ गया अपने रूम में, ठीक है। थकावट हो रही ज़्यादा। अब मैं आपको बता दूँ, ये जो मैं दीप का लैपटॉप ले लेता हूँ ना, ये मुझे खल जाता है लेना भाई। एक क्लास मुझे करनी होती, लेकिन जो दीप का लैपटॉप में लेके घूमता हूँ ना दिन भर, दीप भाई जब देख रहे हो ना वीडियो भाई, एक क्लास होने पर ले लिया करो भाई। ये तो आज 3 किलो का जो लैपटॉप है, ये देख लो भाई, इसका लैपटॉप है 3 किलो का लैपटॉप है भाई। दर्द होता है भाई, पूरी पीठ अभी तक अकड़ गई, दर्द इतनी हो रही है भाई लेके आया हूँ मैं भाई। एक क्लास चक्कर में झेलना पड़ जाता है, पर चलो यार ये साथ भी देता है भाई, चाहे जो भी कहो, इसने साथ दिया, पूरा सेमेस्टर निकलवाया है। अब जाके लैपटॉप मेरा आया है तो बात अलग है। और उस लैपटॉप में काम नहीं कर रहा क्योंकि इसमें सब डाउनलोडेड है, तो मैं उसको उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहा क्योंकि इसमें सब डाउनलोडेड है। और एग्ज़ाम्स देने अभी 5-6 दिन बाद एग्ज़ाम है मेरा इसका, तो इसका एग्ज़ाम दे के छुट्टी हो जाएगी इस लैपटॉप की, तो इसलिए मैं उसमें डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। जब इसमें सारा काम हो जा रहा है तो क्या करके उसमें डाउनलोड करूँ, और डिलीट करना ही पड़ेगा। और उसमें क्या दिक्कत है, एप्पल में किस तरह डाउनलोड होता है, किस तरह नहीं होता है, चलेगा कि नहीं चलेगा, कुछ पता तो है नहीं भाई। उससे पंगा लेने से अच्छा है इसी में करो। पर साथ दे रहा है भाई, लेकिन भाई फाड़ दे रहा है भाई, पूरी पीठ एकदम दुख गई है भाई। अब जा रहा है आराम करने भाई, और वहाँ डांस वगैरह कुछ नहीं हो रहा था भाई, चूतिया पा काट दिए बस यार, टहलाते रहते हैं इतनी धूप में यार, मूड ख़राब हो जाता है भाई। 1 किलोमीटर जाना है, 1 किलोमीटर आना है, ऐसे दिमाग ख़राब हो जाता है भाई, इतना धूप है, इतनी गर्मी हो रही है। आइसक्रीम खाएं तो कुछ जाके राहत आ रही है। और अभी क्या नाम है, हमने ऑरेंज आइसक्रीम खाई है, उसके बाद हम लोग पियेंगे ऑरेंज ग्लूकोन डी, तब जाके ताकत आएगी। और अभी तो जा रहे सोने, रात में मिलते हैं आपसे, ठीक है। दीप को लैपटॉप भी दे देंगे उसी से बहाने, ठीक है, चलो ठीक है। तो हाँ गाइस, खाना खाने का टाइम हो गया है, रात के बज गए हैं 9:30 करीब। अब चलते हैं खाना खाने, देखते हैं क्या बना है, क्योंकि हाँ। और एक और मुझे बताना था, जो आज हम लोग प्रोग्राम देखने गए थे शाम को 5 बजे 4:30 बजे, वो कैंसिल हो गया है। मुझे भी पता चला कि मेरे दोस्त ने बताया, मेरे रूममेट ने बताया कि वो कैंसिल हो गया, वो कल होगा। और कल होगा, कल भी एक प्रोग्राम है, दो प्रोग्राम कल होंगे इकट्ठे, मतलब 4:30 से लेकर 6:30 बजे करीब होगा एक प्रोग्राम, जिसमें के पॉप आ रहे वाले हैं, वो बड़े म्यूजिशियन बैंड है जो भी, मुझे पता नहीं इसके बारे में, नॉलेज नहीं है। कल आने वाले हैं, और अब वो आ गए हैं LPU में, वो अपने होटल में रुके हुए हैं, LPU का होटल एक, वहाँ पर रुके हुए हैं। तो वो कल होगा उनका प्रोग्राम, और उसके बाद जो आज होना था वो उसके बाद होगा, मतलब कल ही होगा, 2 प्रोग्राम होंगे। अब 2 प्रोग्राम तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा आपको, कल मैं 1 प्रोग्राम दिखा पाऊंगा जो बहुत फेमस था, मुझे कल दिखाना था, जो कल आने वाले हैं के पॉप, तो कल मैं दिखाऊंगा। बाकी अभी चलते हैं खाना खाने, और भूख लग रही, थोड़ा बहुत खा लेते हैं भाई, जानती है यार हॉस्टल का खाना इतना अच्छा नहीं बनता है भाई, मूड होता है मेरा ख़राब, ठीक है। मतलब देख लेते हैं, रोटी देख लेते हैं, रोटी इतनी घटिया बनती है, इतनी घटिया बनती, मूड होता है ख़राब। अगल बगल से सब कच्ची, बीच में पकी हुई, कभी बीच में कच्ची तो अगल बगल पकी हुई, कभी अगल बगल मोटी है तो पतली है, तो पतली है तो मोटी है, दिमाग ख़राब हो जाता है भाई, खाने का मन नहीं करता। 3 रोटी लो तो उसमें से किसी तरह 2 खा पाते हो, 2 भी नहीं 1.5 खा पाते हो, निकाल इधर से काट के, उधर से निकाल के, छोटा थोड़ा ये ले लेते हो टुकड़ा, वो सब करके 1.5 खा पाते हो, 3 लेते हो तो, और चावल, और भाई मन नहीं करता, लेकिन क्या करें, जिंदा रहना तो खाना ही खाना है भाई। तो चलते हैं यार, टाइम वेस्ट नहीं करते, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं करते, अपना भी टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं जल्दी, ठीक है, चलो। तो गाइस दिल भर गया है, मन भी भर गया है, देख के खाना मूड हो गया ख़राब भाई, हॉस्टल का खाना देख के मेरा मूड हो गया दिमाग ख़राब। तो अब हम लोग जा रहे हैं बाहर कुछ खाने वाले, हॉस्टल के बाहर कुछ बर्गर वगैरह थोड़ा बहुत आइटम खाने, या लस्सी पीएंगे साथ में, बस थोड़ा हल्का, ज़्यादा नहीं खाएंगे क्योंकि पेट फूल आता है, जानती हो पेट फूल आता है भाई, फिर जानती हो बॉडी शॉडी यार फिर बेकार हो जाती है, दिक्कत हो जाती है भाई। तो हम लोग कार्ड लगा देते भाई यहाँ पर, ठीक है, और अब हम लोग चलते बाहर कुछ खाने भाई, मूड हो जाता है ख़राब भाई देख के हॉस्टल का खाना, सच बता रहा हूँ भाई, वैसे ही मन नहीं था। और देख लो ना इतने भाई, कहाँ गया, अबे इतने बच्चों को देख लो खाते हुए, और इतना क्वांटिटी में खाना फिकते हुए देख लो, तो ऐसे ही मन भर जाता है। बाकी देखो यहाँ पर आए दिन कुछ ना कुछ बनता ही रहता है, वही चीज़ तोड़ेंगे, वही चीज़ बनाएंगे, दिखाना होता है ना कि हम लोगों ने इतना पैसा कमाया तो इतना जगह खर्च कर रहा है, देख रहे हो इतना पैसा है। गाइस अभी हम लोग खाए हैं बर्गर खाने, शिवांश ने कहा कि यहाँ बर्गर बहुत टेस्टी मिलता है 40 रुपये का, यहाँ पर बर्गर खा रहे हैं, हाँ जी कर रहे हैं, तो 40 रुपये का मिल गया इनको यहीं पे, हाँ ये भी मिल गया, इसको लैपटॉप देना था तो ये कह रहा कि पूरा पूरी बात तो बता दो भाई मेरे फ़ोन के नीचे आ गए कि भाई कहाँ वो लैपटॉप चाहिए, और वो भी चाहिए था, क्या चाहिए था, केटल चाहिए था, तो कह रहा कि अभी 10 मिनट लगे खाने, खा रहे तो कचवा मत जाओ अभी, ठीक है। फिर ये लोग मेरे दोस्त आए, दिखा दो यार दोस्तों को मेरे,
यह साथी की आदत है और साइड अभी आना ठीक है। तो आए हुए थे क्या इनको कहना है वो आइसक्रीम खाना है, तो चलो फिर हमारे नीचे आए, वो चल देते साथ में, वही चल रहे थे तब तक हमारे नाम भैया प्रदर्शन प्रदर्शित हो गया आंखों के सामने में, चमका हुआ पीला पीला टी शर्ट, ये वही टी शर्ट जरूर आ गए थे ठीक है, दिख रहे हो तो दिख गया, तो मिलने आ गए भाई, तो भैया तो बुलाएंगे नहीं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं, मतलब ये बर्गर तो आ गया हमारा, ये आ गया बर्गर, ये देख लिया भाई खीरे निकल निकल के बाहर आ रहा है और टिक्की बाहर आ रही है, 40 रुपए का बर्गर है, अभी हम लोग खाते हैं, पेमेंट पहले कर लेते हैं उसके बाद फिर जाते हैं आइसक्रीम, हम तो खाएंगे नहीं, सिर्फ देखने जाएंगे कि वहाँ पर माहौल कैसा है, अमूल माहौल कैसा है, माहौल देखने जाएंगे, और अच्छा वहाँ पे एमजी हेक्टर है, क्या है एमजी हेक्टर है वहाँ, उसमें माल आता है उनका, हमने देखा है, अच्छा एमजी हेक्टर माल, उसमें सामान रखते हैं हम लोग, देखो अमीरियत देख रहे हो, चलो ठीक है। तो गाइस तो भाई आ गया है रूम में और अब रात ज़्यादा हो गई, काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है, और मैं सोचा हुआ कि चलो यार कुछ नया ट्राई करते हैं, लैपटॉप तो मेरे पास आ ही गया है, तो चलो कुछ ना कुछ नया ट्राई करते हैं लैपटॉप से, जो मैं लैपटॉप से पहले नहीं कर पा रहा था, जो मेरे पास लैपटॉप नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो ओमेगल स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग क्या सजेस्ट करते हो, ओमेगल मैं स्टार्ट करूँ कि ना करूँ, हालांकि आपका जो भी डिसीजन हो, पर मेरा तो मन है ओमेगल स्टार्ट करने का, तो स्टार्ट मैं करूँगा, लेकिन आप अपने कमेंट सेक्शन जरूर बताना कि कैसा आपको लगता है कि स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो बाकी आप बताना, बाकी आज का व्लॉग हमने यहीं पर एंड कर देते हैं, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, आगे मैं और ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और जब भी आप सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन ऑल पे क्लिक करना, जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपके नोटिफिकेशन सबसे पहले, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।